डेरा सचा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी से बलात्कार केस में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राम रहीम को सजा का ऐलान होगा। बता दें कि गुरमीत राम रहीम इससे पहले भी कई विवादों की वजह से चर्चा में रह चुका है। कभी अपनी फिल्मों तो कभी म्यूजिक वीडियो की वजह से भी चर्चा में रह चुका है। कई बार विवादित टिप्पणियों की वजह से भी ये बाबा चर्चा में रहा है। साल 2015 का एक वीडियो सामने आया है जिसमें राम रहीम बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म पीके पर बात करता दिख रहा है। उस समय आमिर की फिल्म पीके आ रही थी और राम रहीम अपनी फिल्म SSG का प्रमोशन कर रहा था। आमिर की फिल्म पीके को लेकर राम रहीम ने एक बयान दे दिया था जो काफी समय तक सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम रहीम से पूछा गया कि आमिर की फिल्म पीके पर उनकी क्या राय और इससे उनकी फिल्म पर क्या असर पड़ेगा। पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए राम रहीम ने कहा उन्होंने यह फिल्म देखी नहीं है, फिल्म के बारे में सिर्फ पत्रकारों से ही पता चला है। सुना है कि फिल्म में भगवान शिव का मजाक बनाया गया है, उन्हें बाथरूम में छिपके दिखाए गए हैं। सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक क्यों उड़ाना, बाकी धर्मों के बारे में भी बात की जाए, सभी धर्मों में पाखंड है। मुझे उनकी फिल्मों से फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमारी फिल्म में 100% सच्चाई है।